नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। विश्वभर में फैली महामारी कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस से जहां सभी लोग अपने घरों में कैद होकर अपनी जान की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं पर समाज के कुछ कोरोना योद्धा इस जंग में लड़ाई में मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे ही एक टेकनपुर के एक डॉक्टर अरविंद सिंघल इस जंग में जन सहयोग के भाव से अपने बेटे के साथ मैदान में डटे हैं। अरविंद सिंघल अपने क्लिनिक पर आए मरीजों की असहाय मजदूर हैं, उन्हें निशुल्क दवा वितरण कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में उनके पुत्र एकांत सिंघल भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनसेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर पिता पुत्र के जनसेवा के लिए इस समर्पण भाव को देखते हुए आज प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संचालक टेकनपुर निवासी जंदेल सिंह परिहार ने ऐसे ही डॉक्टर को पुष्पमाला भेंट कर सम्मान किया। जरूरतमंद लोगों को फल और मास्क वितरित किए हैं। जंदेल सिंह के साथ आश्रम के सदस्यों में उषा कुशवाहा, दुर्गा देवी आदि अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे। सर, ये ब्रह्म कुमारी द्वारा जो आज फल वितरण किया गया है, डॉक्टरों का सम्मान भी किया गया है, सर बताइए क्या था? डॉक्टर साहब से सेवा कर रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों के लिए उनको हम फल वितरण करेंगे और डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे रहे हैं और उस माला डाल के स्वागत कर रहे हैं। सर, ये ब्रह्म कुमारी से अभी जो आश्रम है उससे आप जुड़े हुए संस्था हैं, इस कोरोना में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आश्रम की तरफ से? आश्रम की तरफ से यही है, दूरी बनाए रखें, मास्क लगा कर रखें और दुकानों पर भीड़ ना लगाएं, डॉक्टर साहब के यहाँ जो भी दूरी बना के रखें। ठीक है सर। महामारी के दौर में ये जो वैश्विक महामारी फैली हुई है और मोदी जी का आह्वान है और जो मोदी जी का खास एक मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो जरूरतमंद मरीज हैं, बहुत असहाय मरीज हैं, उनको निःशुल्क दवाई वितरण कर रहे हैं। और जो बिना मास्क के आते हैं पेशेंट, उनको मास्क प्रोवाइड।